कि सारी को ये बोल दो, कि सारू को वो बोल दो, सब लोग के सारी को ही बोलना चाहता देखा है भाई बड़ा बड़ा मौसा का लेकर हो भगवत ना एक आदमी खिसारी के लिए नहीं बोलता है, चाहे वो नेता हो अभिनेता हो। सिर्फ आप हैं इसीलिए मैं जिंदा होने को मर गया होता हूं। लोग कहते हैं कि खिसारी जाति बाप करता है, मुन्ना सिंह मुखिया है वो जाति से राजपूत है, लेकिन मैं उनका छोटा भाई हूं। वो आदमी जिसे 15 साल का रिश्ता है मेरा, इस आदमी से 15 साल का रिश्ता है मेरा। बुलबुल मिश्रा ब्राह्मण है, उनसे मेरा आज कम से कम 15 साल का रिश्ता। यार कैसे लोग कहते हैं कि मैं जाति बात करता हूं। मेरे साथ मेरा मैनेजर रहने वाला विवेक सिंह है, आजाद सिंह है मेरा राइटर लिखने वाला गाना रुक पुराना भी भला भी मतलब कि सच पूछे तो संगीत की कोई जात नहीं होती, इंटरटेन का कोई जात नहीं होता। जो लोग बातें बोल रहे हैं कि खेसारी लाल अश्लीलता फैला रहा है, ये कर रहा है, उनके बिना हमें यह हनुमान चालीसा गाना बजता है। सिर्फ फेसबुक में किसी का सपोर्ट करने के लिए नहीं, अश्लीलता नहीं होना चाहिए। कल से गाना कौन सी बथेवड़ा बजेगा लोग, हनुमान चालीसा बकरिया हो जगह पे सबका। मैं सबको ये बोल रहा हूँ कि इंटरटेन की कोई जात नहीं होती, इंटरटेन का कोई सीमा नहीं होता। सिर्फ जातिवाद में बांट के सबको लोग भड़का इसलिए रहे कि उनको 2 रुपया कमाने को मिल जाए। यार आप लोग समझने की कोशिश करो। कल लोग बोल रहे हैं कि हाँ अश्लीलता मुक्त हो जाए भोजपुरी, मुन्नी बदनाम हो सकती है इंडस्ट्री में, लेकिन वही मुन्नी अगर मैं नाम भर दूं तो 10 लोग आ जाएंगे खेसारी को विरोध करने के लिए। शीला की जवानी को दुनिया हिंदी में देख सकती है, उस समय किसी की मां बहन नहीं है वो, शीला किसी की मां बहन नहीं है, लेकिन उस शीला का नाम अगर खेसारी लाल यादव रख दे तो 10 लोग यूट्यूब पे आकर ये बोलेंगे कि खेसारी ने गंदा कर दिया। बात यहां नहीं है, बात यह है कि खेसारी लाल यादव एक गरीब का बेटा है, इसलिए सब लोग चाहते हैं। मैं कुछ नहीं बोलता यार, आज मेरा मैं किसी लड़की के लिए नहीं रो रहा, आज मेरा दिल भर गया कि यार मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। फिर भी उसके बावजूद भी दुनिया मेरे माँ को, मेरे बहन को, मेरे बच्चों को घसीटती है, उसने क्या बिगाड़ा है। मैं एक पिता होके लड़ रहा था अभी, मैं एक बेटी का बाप होकर लड़ रहा था, सबके घर में बेटी होगी, आज नहीं कल तो होगी ना यार। उसको मेरे जीवन से, मैं अपने बच्चों से बात तक नहीं कर पा रहा हूँ यार। मैं अपने वाइफ से आज 10 दिन हो गया बात की हुई, मेरा फोन तक नहीं उठाती हूँ आज। इन लोगों की वजह से मैं कहाँ चला आया मुझे समझ में नहीं आया। मैं जिंदगी में तो सिर्फ आप सबका इंटरटेन करने के लिए आया था, लेकिन इन लोगों ने मुझे कहाँ पहुंचा दिया मुझे पता ही नहीं चला। मैं सिर्फ इंटरटेन का जानता हूँ, मैं 24 घंटा सिर्फ इसलिए जगता हूँ कि मैं आप सबका इंटरटेन कर दूं। दारू अगर बंद कराना है तो आपकी बस में नहीं है दारू बंद कराना, उसके लिए सरकार चाहेगी तो बंद होगा ना। उसमें पीने वाला दोषी कैसे हो गया, और नहीं तो आप पीने वाले को गाली दीजिएगा। सबकी अपनी जिंदगी है, सब लोग पिएंगे। बंद करना है तो अच्छा ही बताइए, बिहार में दारू बंद है तो क्या लोग नहीं पी रहे हैं। तो दुनिया सिस्टम है, आप उसको नहीं बदल सकते। सिर्फ आप अपना यूट्यूब चलाते हैं और फेसबुक को हाईलाइट करने के लिए लोगों को जातिवाद में बांट के और भड़काने के लिए, आक्रोश फैलाने के लिए सारी विधि चल रही है। अश्लीलता का लड़ाई रोड पे लड़ा जाता है, फेसबुक पे नहीं। और कुछ लोग वो लोग बोल रहे हैं कि भगवा गंची ले रहे हैं, महाराणा प्रताप के फोटो लगा रहे हैं। मेरे जितने भी राजपूत भाई हैं, सबसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरी जान हो, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, आपका विरोधी नहीं। मैं इंडियन हूँ, भारतीय हूँ, और भारतीय में हम सब आते हैं, यहाँ कोई जात नहीं आता। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ
कि कुछ लोग अपना यूट्यूब चलाने के लिए सब विधि कर रहे हैं, तो आप लोग उनको इंटरटेन करना ही बनता है। उनका यूट्यूब चैनल ना देखिए, ना फेसबुक देखिए, ना ये बात होगा। मजा करिए, इंटरटेन करिए, गाना सुनिए और मजे लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब कल हो सकता है जो सेल्फी ना हो तो कल वो सिनेमा लगा लो हमारा शादी हो तो ऐसी।